और सुबह से हम अलग अलग कॉर्पोरेट्स का व्यू लेने की कोशिश कर रहे हैं और उनकी सोच जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वो मोदी सरकार के 2 साल के कामकाज को कैसे देखते हैं। और अब हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद है, मिस्टर अनूप कुमार मित्तल है, CMD है NBCC के। मिस्टर मित्तल, गुड मॉर्निंग। मोदी सरकार 16 मई है और ठीक 2 साल पहले एक स्ट्रांग रिजल्ट हमारे सामने आया इलेक्शन के, और एक क्लियर मैंडेट के साथ मोदी गवर्नमेंट सत्ता में आई। 2 साल पहले जो कॉरपोरेट के अंदर कॉन्फिडेंस था वो बिल्कुल जीरो था, जो डिसीजन मेकिंग पावर थी वो काफी कमजोर थी, और इन 2 सालों में सरकार ने काफी कोशिश की है कॉरपोरेट से कॉन्फिडेंस को रिबिल्ड करने की, न्यू एंटरप्रेन्योर्स बिल्ड करने की। तो क्या इस कोशिश में सरकार कामकाज हुई है, कि सही मायने में कॉरपोरेट्स के अंदर विश्वास जगा है? बिल्कुल, मैं एक लाइन में ये कहूँगा, ये एकदम स्वीपिंग चेंज हुआ है कॉरपोरेट में नई गवर्नमेंट आने के बाद। जिस तरह से स्लोगन गवर्नमेंट ने दिया था कि मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस, तो वही हो रहा है। उसका एग्जांपल अगर मैं अपने सेक्टर से बात जोड़ूं तो रियल इस्टेट बिल जैसे पास हुआ है, तो अब आप देख रहे हैं कि कितना चेंज आ गया है और जिस तरह से चल रहा है। डूइंग इजी बिजनेस के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस की बात करते हैं, और एक पल्स जो है वो एकदम पॉजिटिव सेंस दे रही है कॉरपोरेट को, खासकर PSUs जिससे मैं आता हूँ, कि सरकार की बड़ी पॉजिटिव सोच है। एब्सोल्युटली मिस्टर मित्तल, आपने बात की रियल एस्टेट रेगुलेटर्स बिल की और खासतौर पर सिंगल विंडो क्लियरेंसेस की, तो काफ़ी पॉजिटिव कदम आपके हिसाब से मोदी सरकार ने उठाए हैं। आपसे ये जानना चाहेंगे कि ऑन ग्राउंड रियलिटी रियल एस्टेट सेक्टर के लिए कितनी बदलती हुई नजर आई है, क्या यहाँ पर आपको डिमांड में एक इम्प्रूवमेंट नजर आ रही है और सेक्टर में रिवाइवल एक नज़र आ रहा है? देखिए, शुरुआत में तो 1 साल या 6 महीने गवर्नमेंट को लगते हैं, लेकिन पिछले 1 साल से मैं देख रहा हूँ कि मिडिल इनकम ग्रुप के लोगों का जो रुझान है रियल इस्टेट में, इन्वेस्टर्स का, वो बढ़ा है। और इसका बहुत सीधा सीधा एक संबंध है कि इंटरेस्ट रेट गवर्नमेंट ने हमेशा रिवाइज किए हैं रिड्यूस साइड पर, कम करने के तौर पर, तो उसकी वजह से रियल इस्टेट के अंदर बहुत कॉन्फिडेंस है और वो अभी पिछले 8-10 महीने में बढ़ता जा रहा है। जी मिस्टर मित्तल, बिल्कुल। इनफैक्ट एक फैक्ट ये भी है कि लो कॉस्ट हाउसिंग हो, इजी फाइनेंसिंग हो, या फिर जो भी रियल एस्टेट रिफॉर्म्स लिए गए जिसका आपने भी जिक्र किया, उसके तहत एक कॉन्फिडेंस रीबिल्ड करने की कोशिश जरूर की गई है, कई कदम भी उठाए गए हैं, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि इन कदमों के बाद जो जेन्युइन बायर हैं वो वापस आ रहे हैं मार्केट की ओर? क्योंकि हमने देखा था कि 2 साल पहले बीते कई सालों से इनफैक्ट जो जेन्युइन बायर्स थे उनकी काफ़ी कमी थी, वो देख ही नहीं रहे थे रियल एस्टेट पैक की तरफ, तो क्या जेन्युइन बायर की ओर से डिमांड आनी शुरू हुई है रियल एस्टेट में? देखिए, जो अभी डिमांड आ रही है वो सारी की सारी जेन्युइन बायर से आ रही है, और उसको अगर आप कनेक्ट करें अपने बैंकिंग सेक्टर से, अगर डाटा देखें कि कितने लोन उन्होंने इंडिविजुअल्स को सैंक्शन किए हैं, तो उससे आपको बिल्कुल सीधा सीधा संबंध मिल जाएगा कि जितनी डिमांड है वो जेन्युइन बायर से आ रही है, और वो रियल इस्टेट के लिए सबसे बड़ा अच्छा कदम है और बड़ी एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है कि जब जेन्युइन बायर आता है मार्केट में तभी जाके मार्केट उठती है। और पिछले 1-1.5 साल में आप देखेंगे तो अगर बैंकिंग सेक्टर से पता करेंगे तो जेन्युइन बायर मैक्सिमम आया इस साल में। जी मिस्टर मित्तल, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि सरकार ने काफी इनोवेटिव कदम भी उठाए हैं, जैसे कि स्मार्ट सिटीज या फिर हाउसिंग फॉर ऑल, अफोर्डेबल हाउसिंग, इन सभी पर अब सरकार का फोकस हो चुका है। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में जितने निवेश किया जा रहा है सरकार की ओर से, जितना एक्सपेंडिचर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, वो भी एक पॉजिटिव कदम है। इन सभी के मद्देनजर आपकी कंपनी में कितना बेनिफिट आगे जाते हुए आ सकता है इन सभी स्कीम्स के तहत? इसका तो बहुत एक छोटा सा आंसर है कि पिछले 1 साल में जितना कंपनी ने बिजनेस डेवलप किया है लास्ट फाइनेंशियल ईयर में, करीब करीब 20,000 करोड़ रुपए का, अगर उसके प्रीवियस ईयर का 4 साल का टोटल करता हूं तो वो 1 साल के अंदर वो बिजनेस डेवलप हुआ है, तो इससे सीधा सीधा संबंध आपको पता पड़ता है कि कितना पॉजिटिव कदम का किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी को फ़ायदा हुआ है। तो हमें NBCC को सारी स्कीमों से, चाहे वो अफोर्डेबल हाउसिंग है, हाउसिंग फॉर ऑल है, अमृत स्कीम है, स्वच्छ भारत है, और रीडेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं, उन सबसे बहुत लाभ हुआ है। जी चलिए, शुक्रिया मिस्टर मित्तल, समय दिया आपने जी बिजनेस को और मोदी सरकार के कामकाज पर आपने व्यू